Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from HC Verma. Let's see, two cars of unequal masses use similar tires if they are moving at the same initial speed. The minimum stopping distance is smaller for the heavier car, is smaller for the lighter car, is same for both the cars, depend on the volume of the car. So let's try to find out कि कितना मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है. सो अगर मैं कहूँ कि ये जो कार है, कार ए, ये मूव कर रही है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू इस डायरेक्शन में. सो हु कैन स्टॉप दिस कार? देखो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वही कार को एक्सेलरेट भी करता है और डिसेलरेट भी करता है. इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट देन कार कैन नाइदर एक्सेलरेट नॉर डिसेलरेट, राइट? फ्रिक्शन फोर्स ही इसे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन प्रोवाइड करता है. सो अगर हमें इस कार को स्टॉप करना है तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा. नाउ आप देखो कि जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा. इनफैक्ट फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. सो अगर हमें इसका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए तो हमें मैक्सिमम रिटार्डेशन चाहिए रहेगा इस कार का. वी नीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से कि इस केस में जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लगेगा. अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? एन इंटू म्यू, और एन कितना होगा इस केस में? एम इंटू जी, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. यू कैन सी कि फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा फॉर मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि आपको रिटार्डेशन मैक्सिमम चाहिए. रिटार्डेशन कह लो या फिर बैकवर्ड एक्सेलरेशन कह लो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट? पीछे की तरफ जब मैक्सिमम फोर्स होगा तभी आपका जो डिस्टेंस है जो कार मूव करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस मिनिमम होगा. सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पीछे के डायरेक्शन में, और यू कैन ऑल्सो से इट रिटार्डेशन, है ना? एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज एम जी म्यू अपॉन मास, सो दैट इज जी म्यू. सो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो कि जो मैक्सिमम रिटार्डेशन है फॉर अ कार, दैट इज जी इंटू म्यू. म्यू क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. कैसे निकालेंगे? कितना डिस्टेंस ये मूव किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ विद दिस रिटार्डेशन. ये जो एक्सेलरेशन है पीछे के डायरेक्शन में, जी इंटू म्यू, राइट? इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी मान लिया एस डिस्टेंस मूव करने के बाद कितनी हो गई? जीरो. सो आप v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as लगा सकते हैं. v कितना हो जाएगा? जीरो. फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर. ये जो सामने का डायरेक्शन है इसे हमने पॉजिटिव लिया है. सो 2 इंटू ए कितना होगा? माइनस जी म्यू, माइनस जी इंटू म्यू और s. सो s का वैल्यू निकल के आ रहा है u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू म्यू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. यू कैन सी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. मास ऑफ द कार के इंडिपेंडेंट है. किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? म्यू पे डिपेंड कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. सो इफ म्यू एंड इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, क्या लिखा है? सिमिलर टायर्स है, और अगर टायर सिमिलर है देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम होगा, है ना? सेम टायर एंड सेम रोड के बीच में, बिटवीन टू सरफेसेस, म्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड. सो देखो यू भी सेम दे दिया, तो इफ यू एंड म्यू इज सेम देन मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी सेम फॉर बोथ द कार्स, राइट? क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं, सो जो फर्स्ट कार है उसमें कितना लगेगा? m1 इंटू जी इंटू म्यू, m इंटू a, राइट? सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार विल डिपेंड अपॉन मास. सो अगर जो हैवी कार है उस पर एफ आर वन लग रहा है और जो लाइटर कार है उस पर FR2 लग रहा है. सो FR1 विल बी ग्रेटर देन FR2, मतलब जो हैवियर कार है उस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, because n into mu, m g mu, right? So that is dependent on mass. और क्या पूछ सकता है? टाइम पूछ सकता है कि टाइम taken by the car before coming to rest, क्या वो डिपेंड करेगा मास पे? ऑफकोर्स नहीं करेगा. देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से टाइम निकालो. v फाइनली जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u था और एक्सेलरेशन कितना है? g इंटू म्यू फॉर मिनिमम पॉसिबल टाइम, राइट? फॉर टाइम फॉर मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो वो वाला टाइम हम निकाल रहे हैं. सो टाइम u बाई जी म्यू. सो जी तो कॉन्स्टेंट है, u और म्यू पे डिपेंड कर रहा है सेम जैसे मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड कर रहा था. इसी तरह से ये टाइम भी जी और सॉरी यू और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। सो देखो आप इस तरह से ना खुद से चेक कर सकते हो कि किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेंगे, राइट, दिस पैरामीटर्स। ओके फाइन, आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू डिस्कस फर्दर, वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।